जिला अस्पताल में रोजाना डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और लापरवाही के चलते मंगलवार को इलाज के लिए आए मरीजों ने हंगामा कर दिया। इलाज के लिए महीनों से भटक रहे मरीजों ने अस्पताल का मुख्य द्वार बंद कर दिया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी दिखाई। वहीं शासन के आला अधिकारी के अस्पताल न पहुंचने से लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। हर रोज की तरह मंगलवार को भी जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर नदारद रहे, जिससे लेकर इलाज कराने आए मरीजों ने अस्पताल का मुख्य द्वार बंद कर हंगामा खड़ा कर दिया और सभी मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर जमकर नाराजगी दिखाई। सप्ताह का दूसरा दिन होने के कारण सैकड़ों की संख्या में मरीज जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इलाज ना होने से मरीजों का आक्रोश उमड़ पड़ा। डॉक्टर मिश्रा की शिकायत करने आए क्या है? मैं कहा मेरे से ऐसे बात करता है जैसे मैं उसके हॉस्पिटल का प्यून हूँ। मैं एक थाना प्रभारी हूँ, यहाँ का इस क्षेत्र का इंचार्ज हूँ। मैं आया हूँ से अपनी समस्या बताने। एमएनसी नहीं कर रहा है, भगा रहा है पेशेंट्स को, भगा रहा है केसेस को। नहीं देखूंगा, टाइम नहीं है, ये है वो है, क्या नाटक है? मैं कहा मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करता जैसे मैं उसके हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हूँ, प्यून हूँ मैं, तो दूसरे लोगों के साथ में क्या व्यवहार होता होगा? डॉक्टर रहे भी सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट हुआ तो फार्म जमा नहीं किया गया, उसके बाद हम लोग को वापस कर गया। 11:03 में हम लोग को फार्म जमा करा तो वापस कर दी, नहीं जमा किए। और यहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल ही नहीं रहते, परेशान हो गए हम लोग, हालत बहुत खराब हो चुकी है आते आते। दूसरी ओर मामले को उग्र होता देख अधिकारियों ने सिविल सर्जन को मरीजों से बात करने को कहा, जिसके बाद ही बीआर नंदा अपने बंद कमरों से बाहर निकले और मीडिया कर्मियों को मामले की जानकारी ना होने की बात कहकर गोलमोल जवाब दिया और साथ ही कवरेज के लिए पहुंचे सिटी न्यूज की टीम को फुटेज लेने से मना किया। आज मैं यहाँ पे था नहीं, यदि मेरे से कोई जानकारी लेता तो मैं मंगलवार को टीएल बैठक रहता वहाँ चले गया। मैं जिला प्रबंधन से चर्चा हो चुकी थी, मरीजों से भी, पत्रकारों से भी। यदि आप मुझे खबर भेजते तो मैं आता। मैं आपको जानकारी थी सर उनके आने से पहले? आपने थाने में फोन किया, मैं खाली नहीं, आपने थाने में फोन किया, फेस भेज दिए और उसके बाद भी? बंद करो, बंद करो। गौरतलब है कि एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें डॉक्टरों का अभद्र व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्लिनिक से नदारद, इलाज में लापरवाही, रुपए की मांग और हंगामा जैसे मामले शामिल हैं। लिहाजा डॉक्टरों की ये मनमानी क्या इसी तरह चलता रहेगा या फिर शासन ऐसे लापरवाही बरतने वालों पर एक अहम कदम उठाएगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। आए दिन ये लोग लाइन में लगे रहते हैं, फॉर्म जमा हो जाती है, सब चीज हो जाता है, उसके बावजूद भी इनका इलाज नहीं हो पाता। यही कारण है कि जिला अस्पताल प्रबंधन भी इस ओर ध्यान न देकर अपनी चुप्पी थामे बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पिंटू राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर।